इस किस्त में खिलौनों का मेला। जहरा, आपको पता है कुछ दिनों बाद खिलौनों का मेला लगेगा। बहुत अच्छा। और अच्छी बात ये है कि इसमें नए खिलौने भी दिखाए जाएंगे, और तो और बच्चे अपने खिलौने भी ले जाकर वहाँ गिफ्ट दे सकते हैं। किसे देंगे गिफ्ट? इन बच्चों को जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो नए खिलौने ले सके। मुझे अपने खिलौनों में से देना होगा। जी बेटा, बच्चों को वहाँ अपने अच्छे खिलौने लेके जाना है ताकि वो दूसरों को गिफ्ट दे सके। पापा, अगर मैं भी अपने कुछ खिलौने रख लूँ तो आप मुझे भी ले जाएंगे अपने साथ वहाँ? जी मेरी प्यारी बेटी, आप गिफ्ट तैयार कर लें, मैं कल असर के वक्त आपको वहाँ ले जाऊँगा। याहू, हम साथ चलेंगे। असल मैं कौन सा खिलौना गिफ्ट के लिए लेकर जाऊं? असल मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक था और एक नहीं था। एक छोटी सी बच्ची थी, इसका नाम नाज़नीन था। इसके पास खूब ढेर सारे खिलौने थे। उसके बाद एक और बच्ची थी, इसके पास कोई खिलौना नहीं था। हर वक्त वो अपनी अम्मी को कहती थी कि मैं किसके साथ खेलूं, मेरे पास कोई नहीं है। एक दिन नाज़नीन पर तुम्हारे ख्याल में मैं कौन सा खिलौना गिफ्ट में दूँ? मामा कहती हैं कि इंसान को वो चीज़ गिफ्ट में देना चाहिए जो इसे पसंद हो। ऐसा करती हूँ कि ये वाला ब्लॉक दे देती हूँ। नहीं, फिर मैं घर किस तरह बनाऊँगी? मैं हमेशा तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, अगर तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं फिर उदास हो जाऊंगी। पर मैं अपना भालू दे दूंगी, यही ठीक रहेगा। भालू तो मेरे खिलौनों का रखवाला है, क्योंकि वो सबसे बड़ा और ताकतवर है। सही है, फिर मैं इसे भी नहीं दूंगी। पर मुझे पता है तुम्हें यह बहुत पसंद है। ठीक है, नहीं दे रही। तुम भी अच्छे हो, मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। अरे नहीं, फिर मैं बच्चों को क्या दूंगी? मुझे कोई खिलौना ढूंढना होगा। फिर तुम्हें तुम कोई खिलौना थोड़ी हो पर मेरे दोस्तों के पास मुझसे ज्यादा खिलौने हैं। रिहाना के पास तो मुझसे भी ज्यादा खिलौने हैं। असर, मैं अपने दोस्तों को जाके कहूँ कि वो कोई खिलौना ले आए। पर आओ चलते हैं, उन्हें भी जाके बताते हैं। हुस्ना, जाओ अपने दोस्तों को भी बता दो कि अगर वो भी कुछ गिफ्ट देना चाहे तो ले आए। मामा, मैं अपने दोस्तों को जरूर बताऊंगी।
ये इस मेले का दावतनामा है, तुम चाहो तो इस जैसा बना के उनके घरों में डाल दो। अगर बच्चे चाहें तो कागज पर पेंटिंग बनाकर भी मेले में गिफ्ट दे सकते हैं। मामा, क्या आप इन सब पर कुछ लिख सकती हैं? बेटा, इस पे क्या लिखूं? मामा, इस पर लिखें कि मेरे पास देने के लिए कोई खिलौना नहीं है, तो तुम लोग मेरे लिए कोई खिलौना लेकर आना। पता चलना चाहिए कि ये दावतनामा किस लिए है। इस पे लिख देंगे खिलौनों का मेला। फिर इस पर लिख दें कि असर तक हुस्ना को लाके दे दें। ठीक है बेटी। लोग समझ जाएंगे कि ये दावतनामा हम यहाँ डाल कर गए हैं। चलो चलें। मामा, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी बाबा आ जाएंगे और मेरे पास कोई खिलौना नहीं है मेले में ले जाने के लिए। अच्छा मेरी बेटी, तुम अपने खिलौनों में से दो। अपने खिलौनों में से? लेकिन मुझे तो अपने सब खिलौनों की जरूरत है। तो जरूरी नहीं देना, तुम बाबा को कह दो मैं नहीं देना चाहती। ये पैसों का पर्स कहाँ से लाई हो? ये पैसों का पर्स है, बाबा को नहीं चाहिए था, उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा ये पर्स? इन पैसों से चल के हम खिलौने ले सकते हैं क्या? ये बहुत कम पैसे हैं, इसमें कुछ नहीं आएगा मेरी बेटी। ये बाबा ने मुझे दिया है। जी, इसलिए दिया है ताकि तुम अपने पास पैसे जमा कर सको, जब पैसे ज्यादा हो जाए तो फिर तुम इससे कुछ खरीद सको। पर कोई अभी तक आया क्यों नहीं है? आओ बच्चों का दरवाजा बजा के आते हैं। नहीं मेरी बेटी, किसी को मजबूर करना अच्छी बात नहीं है, शायद वो भी अपने खिलौने ना देना चाहें। तुम क्या लाए हैं? अच्छा मैं भी तो लाया हूँ। उसने मैं अपनी तलवार लेके आया हूँ। मैं गुड़िया लेकर आई हूँ, इसका नाम यास्मीन है। इसे अच्छा नहीं लगता कि इसे दूसरे नाम से पुकारे। लेकिन तुम्हें तो ये बहुत पसंद थी। हाँ लेकिन जाओ मेरी गुड़िया जानी। ये वही गाड़ी है जो तुम्हें भी वहाँ से गिफ्ट में मिली थी। ये खरगोश मेरा है, अब मैं इससे खेलती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत समझदार है। ये मेरी बॉल है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास और गेंद है। हुस्ना, तुम बच्चों को गिफ्ट में क्या दे रही हो? मैं भी कोई खिलौना देना चाहती हूँ, अभी जाके लेके आती हूँ। जरूरी है क्या खिलौना ही हो? ये रहा मेरा गिफ्ट मेले के लिए। ये तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें गिफ्ट दिया था ना सालगिरह पे। शाबाश बच्चों, अगर कोई इंसान जिस चीज को पसंद करता है वो गिफ्ट दे तो खुदा उसको ज्यादा पसंद करता है। हुस्ना, तुम इसे हमेशा कहानी सुनाती हो ना? मैंने इसे बात कर ली है, अब ये एक और मेहरबान बच्ची के पास जाएगी जो इसे हर रात को नई कहानी सुनाएगी।
अरे वाह, चलो बहुत अच्छा बच्चों, जाओ अपनी अम्मी अब्बू से इजाजत ले लो, क्योंकि मैं तुम सबको मेले में लेके जाना चाहता हूँ।